जैसे मैं एडवांटेजेस बता रहा था और ये इसका टॉपिक भी है, एडवांटेजेस ऑफ पेडल पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटल डेंसिटी जो है इस तो वो कंट्रोलेबल है, ये चीज़ आप अब तक समझ चुके हो कि हम जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती चली जाएगी। ठीक है, कंट्रोलेबल। सेकेंड है, सम ऑफ द हाई एलॉय न्यू सुपर एलॉय कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई। अब देखो, इसकी सबसे बेहतरीन जो एप्लीकेशन है ना, यही है कि जो हाई एलॉयड होते हैं, जो एलॉय मतलब मेटल के साथ नॉन मेटल या मेटल के साथ मेटल, एलॉय प्रोसेस जो होती हैं, जैसे कि हम सपोज करो कोई भी एक मेटल है ना, अगर उसमें सेम टाइप का एटम है तो एलॉय नहीं कहला जाता, अगर हम उसमें डिफरेंट टाइप का मेटल के मॉलिक्यूल से डाल दें तो एलॉय कहला जाता है उस टाइम पर। ठीक है, और अगर हम उसमें नॉन मेटल भी डाल देंगे तो भी वो एक तरीके से एलॉय कहला जाएगा, क्योंकि हम उसमें जो सेकंड टाइप का एलिमेंट जो ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ उसकी डेंसिटी या उसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। सपोज़ करो आयरन है, अगर प्योर फॉर्म में आयरन होता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर कार्बन हम मिक्स कर देते हैं तो उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट में मतलब वो जो स्टील वाली कंडीशन होती है यार, उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर आयरन। ठीक है, तो हम उसकी डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, और एंड जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ यार स्टील में और प्योर आयरन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर लेस हीट और इजी टू इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखो लेस हीट क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि उसमें हमने सिंटरिंग प्रोसेस की थी, तो सिंटरिंग प्रोसेस जो होती है वो इस टेम्परेचर से कम पे होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है उससे कम पर होती है सिंटरिंग। ठीक है, और इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें देखो यार, ना तो हमको मेटल जो होता है वो मेल्ट करना पड़ रहा, क्योंकि अगर यार मेटल मेटल को मेल्ट करना चाहें तो यार ट्रस्ट में उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पावर सप्लाई की, और इतनी ज़्यादा अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा बिल आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो हाई प्रोड्यूसिंग रेट एंड रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होता था, इसमें जो एक मशीन होती है ना कॉम्पैक्शन वाली, सिर्फ उसके थोड़े बहुत पैसे लगते हैं स्टार्टिंग रेट में, उसके बाद में बस उसको प्रेसिंग करेंगे और तुरंत जो सिंटरिंग प्रोसेस के लिए जो फर्नेस होती है उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और तुरंत हमारा पार्ट बन के तैयार हो जाता है। तो देखो हाई प्रोड्यूसिंग रेटिंग, सपोज़ करो इधर से एक पार्ट उसने वहाँ से कॉम्पैक्शन के थ्रू बनाया और हमने एक पार्ट को उधर डाल दिया, तो जितने में वो गर्म होकर आएगा इतने में तो तुम दूसरा कॉम्पैक्शन भी कर दो, तो देखो कंटिन्यूस रेट से हमें मिल जाएगा। ठीक है, हाई प्रोड्यूसिंग रेट है, जो उसका प्रोड्यूसिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऐसा नहीं है कि उसमें मोल्ड में तुमने मेटल को डाला और फिर बैठे रहो जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले अगर तुमने गर्म कोई छड़ा तो उसकी शेप डिस्टॉर्शन आ जाएगा और वो पार्ट बिल्कुल बेकार, कहीं यूज नहीं हो पा सकता वो। ठीक है, और फिर होता है गुड डायमेंशनल कंट्रोल। देखो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है इसमें, गुड डायमेंशन कंट्रोल एंड मशीनरी ग्राइंडिंग। देखो अगर हम सैंड कास्टिंग करते हैं, जब आपको किसी ने करी होगी तो मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है, सैंड के अंदर जब हम फिल करते हैं तो यार सैंड का टेम्परेचर और एक मोल्टन मेटल का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो यार जब मोल्टन मेटल सैंड के कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, ये अंदर उसका स्पेस है जहाँ जिस शेप को हमको बनाना है। ठीक है, देखो हमने यहाँ से मोल्टन मेटल को डाला, स्टार्ट किया, वो यहाँ पे डलना स्टार्टिंग होगा, तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि यहाँ पे डलते ही वो इसकी शेप को तोड़ चुका होगा, क्योंकि यार सैंड का टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड जो मोल्टन मेटल है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो ऊपर से गिरेगा एक हिसाब से, तो यहाँ से उसकी शेप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर चुका होगा, वो प्लेन शेप नहीं आ पाएगी बिल्कुल, जो होनी चाहिए डायमेंशन एक्यूरेसी बिल्कुल, यहाँ पे तो स्ट्रेट है बट वहाँ पे वो स्ट्रेट नहीं रह पाएगी। ठीक है, और देखो दूसरी बात, जैसे जैसे वो ऊपर को फिल होगा तो यहाँ से रेत छुट छुट के वो थोड़ी मोल्टन मेटल के अंदर मिक्स होगी, तो ठीक है, और जब हम देखो वो मिक्स हो चुकी है, अब सपोज़ करो जब हम इसको निकालेंगे ठंडा होने के बाद तो रेत उसके ऊपर चिपकी हुई होगी,
तो हम उसको ग्राइंडिंग भी करना होता है, मतलब सफाई, और मशीनिंग मतलब उसको बिल्कुल ही सरफेस प्योर मेटल वाली जो होती है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं है, ठीक है, बट ये उसके थ्रू बनाया नहीं जाता, तो यार बिल्कुल ऐसी सरफेस पाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो मशीनिंग हेल्प से हम उसके बिल्कुल प्योर मेटल सरफेस को ऑब्जर्व कर मतलब निकाल लेते हैं, और ग्राइंडिंग के हेल्प से उसको जो सैंड है या कुछ भी और भी इम्प्योरिटी है उसको बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं उस मशीन से, ग्राइंडिंग मशीन से होती है यार वो, बिल्कुल जैसे वो होता है ना सैंड पेपर, ऐसे अगर हम उसको साफ करना चाहें तो वो उसका ही काम कर देती है सैंड पेपर का, बट वो इलेक्ट्रिकल है, वो बहुत ही स्पीड से वर्क करती है ग्राइंडिंग मशीन। तो देखो अब 50 की एप्लीकेशन है नो स्क्रैप रिमेनिंग, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अब जैसे कि आप जानते हो कि यार अगर हम पाउडर मेटलर्जी बना रहे हैं तो उसमें मेटल पाउडर को डाला तुरंत वो बन चुका होगा प्रेसिंग के बाद में, उसमें कहाँ पे कुछ एक पॉइंट एक पाउडर का पीस तक नहीं बचता होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं ना, हाइड्रोलिक प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, ये बहुत सारे अप्लाई होते हैं, तो इसमें कोई भी स्क्रैप नहीं बचता। और उसमें क्या बचता है, जैसे कि हमने पिग आयरन डाल दिया, ठीक है, तो उसमें जब हम मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग में सपोज करो मेल्टिंग से पहले 1 किलो होता स्क्रैप, ठीक है, वो था मतलब पिग आयरन, अगर हम उसको मेल्ट कर देंगे तो आई थिंक 900 कुछ ग्राम मिलेगा हमको, मतलब 1000 जो ग्राम था ना वो पूरा नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें जितना पाउडर है उतने का ही हमको प्रोडक्ट मिलना है, समझ रहे हो ना, जितना हमने पाउडर डाला उतना ही का ही हमको पार्ट मिलेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पार्ट, क्योंकि इसमें यार पार्ट का जो है वो कम रह पाएगा, क्योंकि यार स्क्रैप भी होता है, सपोज करो अपने टेम्परेचर राइज करना होगा तो जैसे स्क्रैप वो होता है ना, मतलब उसमें जो पिग आयरन है ना, जब उसको मेल्ट करने से पहले हाथ में तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कार्बन, ठीक है। तो अब आयरन का टेम्परेचर 1000 से ऊपर है, बट इनो का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ये बहुत ही पहले है, तो ये वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, रिमूव होके या तो वेपर उसके मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, या सेकंड कंडीशन है वो एक लेयर ऊपर ऊपर बना लेंगी, जिसकी वजह से जो कि हम हमारे लिए वो वेस्ट है, एक तरीके से हमको बाद में फेंकना ही होगा, तो इस वजह से हम इसका एडवांटेज है उसमें स्क्रैप बचता है, और इसमें स्क्रैप बिल्कुल नहीं बचता मार्ट पाउडर में। और देखो डिसएडवांटेज भी हैं इसके कुछ, ठीक है, डिसएडवांटेज ये हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्ट शेप एंड कंप्रेस कैपेसिटी, ठीक है। देखो जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, सपोज करो कि कोई ऐसी शेप बनानी है आपको, ठीक है, तो देखो जो भी हम यहाँ से सपोज करो पाउडर हमने फिल करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, लेकिन 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 यहाँ से ऊपर वो यहाँ पे स्पेस छूट जाएगा, समझ पाए ना, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता तो हम इसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है हमको, जैसे कि वो यहाँ पे पाउडर नहीं पहुँच पाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो स्पेस बनना आएगा, वो डायमेंशन हमको यहाँ वाली मिल नहीं पानेगी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट में ये प्रॉब्लम है इसमें। तो मेटल पाउडर जो मेटल पाउडर होता है यार उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ मेटेरियल। देखो रॉ मेटेरियल आ गया तो हम उसको बस खाली मेल्ट करना होगा, लेकिन रॉ मेटेरियल की इस वजह से कीमत भी बहुत ज़्यादा कम होती है, बट मेटल पाउडर जो होता है वो प्योर मेटल का होता है, और उसको बनाने में जो थोड़ा सा पैसा लगता है इस वजह से उसकी कॉस्ट जो होती है बहुत हायर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रॉ मेटेरियल, और नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल लेट प्रोडक्शन। और देखो यार सूटेबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सिर्फ 2 या 4 पार्टों की ज़रूरत है और आप लेके आ जाओ 1 लाख की या 2 लाख की मशीन प्रेसिंग वाली हाइड्रोलिक प्रेसिंग, तो यार वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं रहेगा, मतलब 2 या 4 पार्ट के लिए आप मशीन ले आओ तो स्मॉल लेट प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है वो, इसलिए इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है बस इस प्रोसेस का। तो स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी आर मच लोअर देन फोर्जिंग प्रोडक्ट, ठीक है,
बट स्ट्रेंथ जो होती है, और देखो डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे लोहार होता है ना, तो देखो वो उस प्रोडक्ट को, वो जैसे मोल्टन मेटल है उससे कोई कास्टिंग प्रोडक्ट किया जाए, सपोज करो नाइफ नाइफ बनाया जाए, ठीक है, और नाइफ जो होगा वो उसमें हमको ये मिलता है कि हम उसको जैसे वो यहाँ से कास्टिंग की हेल्प से बना लिया, ठीक है, अब हम उसमें ग्राइंडिंग करेंगे और फाइलिंग के हेल्प से उसको वो शार्प करेंगे, ठीक है, अब हम अगर हम उसको दे दें फोर्जिंग वाले को, मतलब लोहार को, तो वो उसको गर्म करके उसको प्रेस करेगा और भी ज़्यादा बुरी तरीके से, ठीक है। मोल्टन मेटल की डेंसिटी एक कॉन्स्टेंट अमाउंट में है, ठीक है, बट वो उसको क्या करेगा और भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जाके उसको प्रेस करना जब स्टार्ट करेगा, तो उसकी जो स्लिपरी प्लेन्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स के स्लिपरी प्लेन्स होती हैं, तो वो और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी उसकी स्ट्रेंथ जो होगी और डक्टिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा 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 स्ट्रांग होती चली जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसमें मेटल पाउडर जेली, ठीक है, तो इसमें और इसमें स्ट्रेंथ में डक्टिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं